हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अमेज़न पे लेटर से रिलेटेड, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा काफ़ी लोग अमेज़न पे लेटर को एक्टिवेट करके यूज़ कर रहे हैं, बट आपको नहीं मालूम कि अमेज़न पे लेटर एक्चुअल में होता क्या है और इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे और एक्टिवेट करने से क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसी चैनल पर काफ़ी दिन पहले वीडियो अपलोड किया हूँ और अगर आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो 3 या 4 नंबर पर मेरा ये वीडियो मिलेगा। आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपको सारा डाउट सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि अमेज़न पे लेटर एक्चुअल में क्या है और इसको एक्टिवेट कैसे करें और इसके एक्टिवेट करने से क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने उनमें से हो जो आप अमेज़न पे लेटर को एक्टिवेट कर चुके हो और आप कोई प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पेमेंट वाला ऑप्शन में अमेज़न पे लेटर का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ वीडियो में डिस्कस करूंगा एंड लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके। तो इस वीडियो का बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अकील और टेक फ्राइडे चैनल में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं प्रोसेस की, तो इसके लिए चलते अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने डिवाइस में अमेज़न एप्लीकेशन को ओपन करना है। चलिए मैं यहाँ पर अमेज़न एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप अमेज़न एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे मुझे एक मोबाइल चाहिए, उस मोबाइल को यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ जो कि मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। अमेज़न पे लेटर ऑप्शन आ रहा या नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, हम इस पर टाइप कर रहे हैं। इस पर टाइप करने के बाद हम बाय पे टाइप करेंगे। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, हम यहाँ पर स्क्रॉल करके देखते हैं। देखिए बाय नाउ, इस पर टाइप करेंगे। इस पर टाइप करने के बाद एड्रेस आ जाएगा, हम एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे जिस एड्रेस पर मुझे प्रोडक्ट चाहिए होता, हम इस पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद लास्ट स्टेप आता है अमेज़न पे लेटर का, मतलब पेमेंट मेथड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अमेज़न पे लेटर का ऑप्शन नहीं आ रहा, ऊपर में देखिए साफ लिखा हुआ है शॉप नाउ पे नेक्स्ट मंथ और इन EMI पे विथ अमेज़न पे लेटर। आप जिस इस पर टाइप करोगे तो आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आप रिडायरेक्ट आकर फिर आप इसी पेज पर आ जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ कि अमेज़न पे लेटर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जो प्रोडक्ट यहाँ पर ऑर्डर कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस है यहाँ पे दिखने को आपको मिल रहा होगा। देखिए 25,000 ऑलमोस्ट आपको प्राइस यहाँ पे शो होगा, देखिए 25,000 से ज़्यादा ही है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे टोटल प्राइस जो है 25,999, मतलब 26,000 का है। तो फ्रेंड्स मुझे जो अमेज़न पे लेटर जो क्रेडिट लिमिट मिला है फ्रेंड्स, वो मुझे मिला है 20,000 का, आप जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, और मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ वो अब कितना हो रहा है 26,000। अगर फ्रेंड्स मैं 20,000 के अंडर में कोई प्रोडक्ट लेता तो वहाँ पर मुझे अमेज़न पे लेटर का ऑप्शन मतलब करंटली मतलब 100% मिलता, लेकिन इस कंडीशन में इसलिए नहीं मिल रहा, क्योंकि ये इस कंडीशन में मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन किस लिए नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी 1,399 का एक प्रोडक्ट लिया हूं जिसका अभी तक मैं बिल पे नहीं किया हूं। अगर आप भी कोई प्रोडक्ट को ले चुके हो और उसका बिल पेमेंट नहीं दिए हो अभी तक, मतलब उसका बिल जनरेट हो चुका है, उसका बिल को आप पे नहीं किए हो, तब तक आप अमेज़न पे लेटर से कोई प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकते हो। अगर आपको बाय करना ही है तो आपका जो भी क्रेडिट लिमिट है आप उससे कम का प्रोडक्ट को ले सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट आप लेंगे तो पहले आपको फर्स्ट EMI जो आपका जो यहाँ जो फर्स्ट बिल अभी तक ड्यू है आपको इसको पे करना होगा। इसको पे करने के बाद ही अमेज़न पे लेटर को आप यूज़ कर पाओगे। पहले ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन अभी अमेज़न पे लेटर अपडेट कर दिया है। अपडेट के बाद आप दूसरा कोई प्रोडक्ट अगर अमेज़न पे लेटर के थ्रू लेना चाहोगे तो आपको फर्स्ट पेमेंट पहले मतलब पे करना होगा, उसके बाद ही आप कोई दूसरा प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो क्रेडिट लिमिट है उससे अंदर में कुछ लेना चाहेंगे उससे कम प्राइस में, तो आप इजीली ले पाओगे। उससे ज़्यादा प्राइस का आप लेना चाहोगे तो पहले आपको मतलब पहले वाला बिल को देना होगा तभी आप ले पाओगे, लेकिन अगर उससे कम प्राइस का कोई प्रोडक्ट को बाय करना है तो आप इजीली ले पाओगे। इसके लिए आपको अमेज़न पे लेटर का ऑप्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा का लोगे तो आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए मेरा वहाँ पर शो नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट था वो 26,000 का था और जो मुझे लिमिट है वो 20,000 का है। अब मैं वहाँ 20,000 को भी यूज़ कर पाऊंगा, लेकिन उस कंडीशन में जबकि मैं इसको पहले यूज़ मतलब यहाँ पेमेंट रीपेमेंट कर दूंगा तभी। जब तक मैं इसको रीपेमेंट नहीं करूँगा तब तक मुझे वहाँ पर अमेज़न पे लेटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई मन में डाउट हो कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं।